अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर फिजिक्स 101 लेक्चर नंबर 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 7 का जो लेक्चर का मेन पॉइंट है वो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ गया, वर्क एंड एनर्जी। और ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो होपफुली आप इसको बी केयरफुल और बी अटेंटिव होकर समझेंगे। सबसे पहले वर्क क्या होता है, काम क्या होता है, थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल बेस्ड आपका है, तो होपफुली मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को तमाम तर कॉन्सेप्ट जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कवर करवा दूं। तो जनाब होता यह है कि वर्क हम कहते हैं, वैसे हम कब वर्क कहते हैं उर्दू के अंदर काम करने को। तो बेसिक फ़र्क आपने याद कर लेना है कि कोई भी आप काम करते हैं ना उसको आप वर्क करते हैं फॉर्मली, फॉर्मली समझ आपकी आम जुबान में। लेकिन अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स, फिज़िक्स के मुताबिक जो है वो वर्क ये है, काम ये है कि आपकी कुछ ना कुछ फोर्स लगे और आप अपना डिस्टेंस तय करें। यानी कि आप ये कहें कि जिस तरह अगर आप फॉर सपोज अगर आपके हाथ में एक हैंड बैग है फॉर एग्जांपल, अब आप उस हैंड बैग के अंदर कुछ ना कुछ आपने भारी वेट डाला हुआ है, फॉर सपोज पेबल्स आपने डाले हुए हैं। अब अगर आप पेबल्स को पकड़ के खड़े रहेंगे ना तो आप वर्क नहीं कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स। फॉर्मली ये काम है कि आप वो पकड़ के खड़े हुए हैं, फॉर्मली ये काम है क्योंकि आपकी फोर्स दया हो रही है, लग रही है। फिजिक्स आपको ये कहता है कि फोर्स लगे अकॉर्डिंग टू फोर्स। अब उस फोर्स के तहत आपने एक जगह से दूसरी जगह पे मूव अप करना है। अगर आप मूव करेंगे तब ही काम होगा, अगर आप मूवमेंट नहीं करेंगे तब आपका काम नहीं होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जी वर्क का, ठीक है। वर्क और एनर्जी का मतलब देखें डेफिनेशन में, फोर्स इज अप्लाइड इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। अब मतलब इसका ये है कि आपके पास कोई भी डिस्टेंस है या कोई भी डिस्प्लेसमेंट है, आपने उस डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को तय करना है, उस चीज़ को हम बेसिकली फोर्स का नाम देते हैं और उस चीज़ को बेसिकली हम वर्क का नाम देते हैं। ये फिजिक्स के मुताबिक बेसिक आपकी डेफिनेशन थी, इसको आपने याद कर लेना है। ये मैथमेटिकल इक्वेशन इसकी कि W इक्वल टू एफ डॉट डी इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। हम जो इसके साथ थीटा या जो एंगल इस्तेमाल करते हैं वो कोस का जो है वो एंगल इस्तेमाल करते हैं। और ये इसका मेन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस तरह से होती है। ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं होती। आपको पता है ना स्केलर क्वांटिटी की सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो फिर इसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होनी थी। फिर वर्क की डायमेंशन को आपने याद कर लेना, ये डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत दफ़ा आपसे पूछी जाती है। डायमेंशन है जिसकी ML2T-2। अब आप इस ML2T-2 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ये T जो है वो अगर ML स्केयर के साथ डिवाइड होगा ना, चूँकि इसकी ऊपर वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, नीचे जाके वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। और वर्क का जनाब न्यूटन होता है 1 जाउल, ठीक है। और 1 जाउल को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या ये आपसे अगर पेपर में डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपने से कहना है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई द 1 न्यूटन बाय 1 मीटर। अगर आप क्या करें, अगर आप न्यूटन को मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 जाउल जो है वो एक क्रिएट हो जाता है। ये बात याद रखिएगा फिजिक्स के अंदर कि अगर आपको पेपर के अंदर फार्मूला याद है ना तो आप उस फार्मूले से ही डेफिनेशन को बना सकते हैं अपनी ज़ुबान में। तो ये नहीं होता कि आपने पेपर में कोई चीज़ को स्किप करके आना है, आप उसी फार्मूले से वैल्यू को क्रिएट करके आ जाएंगे। अब एक एग्जांपल दे रहा आपको, सपोज कह रहा है कर लें कि यू लिफ्ट अ मास ऑफ 20 kg थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। कि आपने किया, आपने एक मास को 20 किलो का वेट था जिसका आपने उसको डिस्टेंस किया 2 मीटर, ये 2 मीटर आप उसको लेके चले हैं। देन द वर्क यू, आपने कितना काम किया, तो डेफिनेटली वो फार्मूला जो भी अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी, तो अब आपने क्या करना है, आपने इसे मल्टीप्लाई करना है, आपके पास एक जो है वो आंसर आ जाएगा। और हम इसके साथ जाउल जो लगाएंगे ना वो इसलिए लगा रहे हैं चूँकि वर्क का यूनिट क्या है, जाउल्स है। अब वो कह रहा है कि अब आपने क्या किया, अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो डेफिनेटली अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारे पास फिर माइनस का साइन आएगा। और ये बात मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी क्लियर करवाई हुई है ना कि अगर आप जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको लिफ्ट की ही मिसाल दूंगा कि अगर आपकी लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड आती है तो आपको इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपवर्ड जाते हैं तो आपको थोड़ी सी फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है। और जब हम अपवर्ड जाएंगे तो हम फिर नेगेटिविटी के साथ शो करेंगे जो कि ये इंडिकेट करेगा, ये दिखाएगा कि आप ऑपोजिट टू द ग्रेविटी काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर माइनस इसीलिए आया क्योंकि आप ऑपोजिट टू द फोर्स काम कर रहे हैं, और जब भी आप ऑपोजिट टू द फोर्स काम करते हैं तो आपको फिर नेगेटिव जो नेगेटिव साइन है उसको इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि हमने यहाँ पर ऑपोजिट टू द फोर्सेस कुछ ना कुछ काम जो है वो किया हुआ है। आगे कुछ आपको मजीद बता रहा है
कि आपका कोई डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस में आप क्या करते हैं, वो शुड ब्रेक अप द डिस्टेंस, आप डिस्टेंस को ब्रेक अप करते हैं ओवर विच द फोर्स एक्ट इनटू स्मॉल पीसेस, जिसमें हमारी जो फोर्स है वो थोड़ा थोड़ी करके मजीद इंक्रीज हो रही है और आखिर में अप्रॉक्सीमेटली कॉन्स्टेंट पॉइंट में पहुंच जाती है। तो ये देखें, ये आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब इसके अंदर काम ये हुआ है कि ये वो आपसे कह रहा है कि छोटे छोटे वर्क डन है, यानी कि आपको पता है, आपको जूनियर क्लास में आप भी शायद पढ़ के आए हुए हैं, यानी क्लास 9th की फिजिक्स के अंदर, कि ये आपका एक डायग्राम है। हम मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे, आप ये पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है, तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप पॉइंट से ए तक जो है वो मूव अप करें। अब डेफिनेटली देखिए, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं तो आप अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी फोर्स ज़ाया हो रही है उस काम करने में। तो क्या होगा, अब चूँकि ये थोड़ी सी डायग्राम, इस तरह से हम इस डायग्राम को ऐसे जो है वो इसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। अब इस डायग्राम की चूँकि मेजरमेंट नहीं होती, तो इसका हल ये है कि हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें, लाइक दिस। ठीक है, जब आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तब आपके लिए थोड़ा सा ये कन्वीनियंट हो जाएगा, और आप छोटे छोटे पार्ट्स को जो है वो उनकी फोर्स को या उनके जो टुकड़े होंगे उसकी वैल्यू को फाइंड करने के बाद एट द एंड आप उसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। यही काम इसने इस ग्राफ के अंदर भी किया हुआ है कि इसने अपनी फोर्स को ज़रा छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया। और ये बात याद रखिएगा, जब हम अपनी फोर्स को छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं ना, तो उसको हम डेल्टा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारे पास स्मॉल वैल्यू है या ये हमारे पास स्मॉल फोर्स है। तो देखें, डेल्टा डब्ल्यू वन, इसका मतलब है कि थोड़ा सा वर्क डन हुआ है, यानी ये वाला खाली, ठीक है, ये छोटा सा। उसके आगे फिर कह रहा है डेल्टा डब्ल्यू टू, ये दोबारा छोटा सा वर्क हुआ है। फिर उसके बाद थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, और ये कहाँ तक जाएगा, डेल्टा एन तक जाएगा, यानी यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ तक जाएगा। अब होने के बाद क्या करना है, आपने इसको बराबर रखना है। बराबर किसके रखेंगे, समीशन के। अब ये समीशन का मतलब ये है कि आपने सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दिया, और आपने ये बात याद कर लेनी है, आगे जाके आप इंशाल्लाह मैथ 101 के कोर्स के अंदर भी पढ़ेंगे कि हम ऐसे फाइंड करते हैं कि हमारे पास जो वन वाली वैल्यू थी ना, शुरू वाली वैल्यू, उसको हम नीचे लिखते हैं कि एन इक्वल टू वन, और जहाँ तक आपकी वैल्यू चलती है, अभी हमने देखिए एन तक लिखा हुआ है ना, हो सकता है आपकी केस में या आपके पेपर में जो है ये फोर तक जाए, फाइव तक जाए, सिक्स तक जाए, तो अब जहाँ पर तक आपकी वैल्यू चलेगी वहाँ तक आप ऊपर लिख देंगे इसको, या हमारे चूँकि एन तक जा रही है हम यहाँ पर एन तक लिख देंगे। अगर ये फोर फाइव सिक्स होता तो यहाँ पर फोर फाइव या सिक्स आ जाना था। उसके बाद एफ एन डेल्टा एक्स, ये जो एफ एन है ये बेसिकली फोर्स है। अब आपने जो ये है ना आपके पास डब्ल्यू, आपने इसको जो है आप रिप्रेजेंट कर दिया, यानी डब्ल्यू का फार्मूला यहाँ पे लगा दिया, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी। तो ये देखिए वही आप यहाँ पर एफ आ गया, और जो डेल्टा एक्स है, यानी जो भी आपके पास यहाँ पे वैल्यू लिखी होगी आप उसको एज इट इज लिखेंगे, तो आपके पास वैल्यू कॉन्स्टेंटली वे में आपके पास एक फार्मूला बन जाएगा, और उस फार्मूले को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम लिमिट्स को अप्लाई कर दें कि डब्ल्यू इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो समीशन वन से लेके इन्फिनिटी एफ एन डॉट डेल्टा एक्स, तो ये आपके पास वो एग्जैक्ट रिजल्ट है जिसकी मदद से आप छोटे छोटे नंबर्स को या छोटे छोटे इंटरवल्स का मेन जो फार्मूला है उसकी मदद से आप अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखें, इसी ने आपको यहाँ पर आगे डेफिनेशन बताई हुई है, इस डेफिनेशन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये आपको ये बता रहा है कि दिस क्वान्टिटी, ये जो क्वान्टिटी होती है, इज अ वर्क डन बाई द फोर्स कॉन्स्टेंट और नॉन कॉन्स्टेंट। अगर आपके पास कॉन्स्टेंट वैल्यू या नॉन कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो आप इस क्वांटिटी से अपने लाइक इस तरह की शेप को या कोई कॉम्प्लिकेटेड शेप को मेजरमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसके आगे आपको बता रहा है जस्ट टू क्लिक, अब वो इसकी एग्जांपल आपको दोबारा दे रहा है, वही बात आपको दोबारा बता रहा है कि अगर आपके पास कोई भी शेप हो ना, जिस तरह ये बनाई हुई है इसने, ये बनाई हुई है, तो आपने यही फार्मूला लगाना है। ये आपको फार्मूला लिखा नजर आ रहा है, यानी आप छोटे छोटे हिस्सों को, छोटे छोटे हिस्सों में पहले अपने उसको फोर्स को डिवाइड कर लेते हैं, और उसके बाद आप उसको एट द एंड प्लस कर लेते हैं, तो आपके पास एक फाइनलाइज आंसर जो है वो आ जाता है। ये फार्मूले आपने याद कर लेने हैं, ये वाले, ठीक है, ये फार्मूले कुछ इंपॉर्टेंट है ये, क्यों चुके अब इसमें समझाने वाली की बात नहीं है, ये आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। आगे सॉरी, ओके, आगे आपको कह रहा है कि एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ फिजिकल सिस्टम टू डू वर्क। जो एनर्जी होती है ये कैपेसिटी है, क्या, किस चीज़ की है, जो फिजिकल सिस्टम है जिसकी मदद से हम काम करते हैं, जैसे कि आप चलते हैं, आप खाते हैं, आप पीते हैं, ये आपकी बेसिकली एनर्जी होती है। अब अकॉर्डिंग टू फिजिक्स क्या है, इट कम्स इन मैनी फॉर्म, में बहुत ज़्यादा फॉर्म में हो सकती है, मैकेनिकल में हो सकती है, इलेक्ट्रिकल में हो सकती है, केमिकल में हो सकती है, और न्यूक्लियर में हो सकती है। इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कैन बी स्टोर्ड, जो हमारी एनर्जी होती है ना वो स्टोर होती है। स्टोर से मुराद ये है कि हमारी एनर्जी ज़ाया नहीं होती, बल्कि हमारी एनर्जी एक जगह से या दूसरे जगह पे स्टोर होती चली जाती है, चेंज होती है, इंटरचेंज होती है, वो आगे जाके भी आप पढ़ेंगे। फिर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो एक एनर्जी है ये ख़त्म नहीं होती है, बल्कि ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में
चली जाती है और इट कैन बी नेवर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, और ये ना तो कभी क्रिएट होती है और ना कभी डिस्ट्रॉय होती है। डिस्ट्रॉय से मतलब ना कभी ख़त्म होती है। जिस तरह से आप अपनी हथेलियों को ज़रा रब जो है वो करेंगे तो रब करने के बाद आपके पास एक थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होगी। अब पहले ये आपने मैकेनिकल काम किया ना, मैकेनिकल वर्क किया आपने, आप थोड़ी सी अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। अब देखें एनर्जी आपने मैकेनिकल लगाई लेकिन आपकी एनर्जी हाथों के दरमियान जो है वो हीट प्रोड्यूस हुई है, तो दिस मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। तो ये आपको एग्जांपल बताती है कि हमारे पास एनर्जी जो है वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चली जाती है, कभी भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। फिर अकॉर्डिंग टू फैक्ट, अब इस फैक्ट में वो आपको बता रहा है कि एनर्जी इज कंसर्व, यानी कंसर्व से मुराद ये है कि हमारी एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है। उसके आगे आपको एक्वियंस के बारे में बता रहा है कि आपको एक कांस्टेंट फोर्स के बारे में बता रहा है, ये आपने खुद से पढ़ लेना है। ये बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे देखिए आपको दोबारा से फार्मूला जो है वो बताया जा रहा है कि डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी, ये आपके वर्क का फार्मूला है, और एफ इक्वल टू एम ए, ये हमारे इसका फार्मूला है न्यूटन सेकेंड लॉ। अब यहाँ पे आप v का स्केयर इक्वल टू ए डी कहते हैं और w इक्वल टू एम ए, यानी कि आपने किया जहाँ पर वैल्यू थी ना m की वहाँ पर आपने वैल्यू को पुट कर दिया, लेकिन जब ये f इक्वल टू m में आना तो f की जगह ये f आपको जो नज़र आ रहा है, मैं आपको हाईलाइट भी करके बता देता हूँ, ये आपको जो f नज़र आ रहा है इस f की जगह आपने इस m a को पुट कर दिया, तो ये देखिए एम ए डी हो गया। और ये आपके पास जो है वो इक्वेशन है जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी हुई है। तो अब देखिए यहाँ पर एम वी स्केयर, अब ये वी स्केयर ओवर टू डी, ये कहाँ से आया, ये इस इक्वेशन से आया, ठीक है। अब आपने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, यानी कि जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ी इस वी स्केयर की वैल्यू को पुट करने के लिए आपने वहाँ पर इसको पुट किया, तो आपके पास एक फाइनलाइज आंसर आ गया डी इक्वल टू वन ओवर टू एम वी का स्केयर, जो कि ये आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। काइनेटिक एनर्जी वन ओवर टू एम वी स्केयर, इस फार्मूले को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन ये होती है कि काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी मूविंग विद द स्पीड वी, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पोसेस्ड होती है बॉडी से, और इसकी स्पीड जो होती है वो 1 ओवर 2 mv का स्केयर होती है। इस तरह से हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आखिरी पॉइंट ये है कि जो वर्क हमारा होता है ये मल्टीप्लाई होता है हमारे डिस्टेंस के साथ, तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, तो ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब आप सपोज कर लें कि अब आपके पास अमाउंट ऑफ वर्क है, यानी कि आपने कुछ अमाउंट में कुछ टाइम में आपने कुछ वर्क डन किया, वर्क अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ही आपने एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाई, कुछ ना कुछ डिस्टेंस को तय किया है, तो इस हाफ वर्क डन को हम पावर कहेंगे। पावर से मुराद क्या है ये हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आगे जाके डिस्कस करेंगे। ओके सॉरी, आपका ये लेक्चर अभी कंटिन्यू है, नेक्स्ट लेक्चर नहीं आया। ये देखिए पावर का फार्मूला आ गया, पावर बेसिकली वर्क डन ओवर टाइम टेकन, ठीक है। वर्क डन है जिसको हम डिवाइड करेंगे टाइम टेकन के साथ। इसका मतलब ये होता है कि आपने कितना काम किया कुछ अरसे में या कुछ टाइम में, तो जितना आपने काम किया है ना उस ड्यूरेशन के अंदर टाइम टेबल के मुताबिक उस चीज़ को हम पावर का नाम देते हैं। अब आपको ये एग्जांपल दे रहा आगे, एग्जांपल के अंदर वो आपसे ये कह रहा है कि आपके पास ये वाली बस है और ये आप कर लेंगे कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव अप कर रही है। अब जब जारी बात है कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन मूव अप करेगी तो इसके अंदर वेलोसिटी होगी। अब वी टू माइनस वी वन, ये आप इक्वेशन पढ़ के आ चुके हैं, इस तरह टू ए एक्स टू माइनस एक्स वन। अब ये जो आपको वी टू है ना ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है और ये जो एक्स टू है ये आपकी फाइनल पोजिशन है, और वी वन ये इनिशियल है और ये इनिशियल पोजिशन है, ठीक है। अब आपने करना ये है कि अब आप इसको एक्सेलरेशन यानी ये वाला जो ए है ये एज इट इज रहेगा और ये जो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी जस्ट लाइक दिस। अब आप यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करें w इक्वल टू एफ डी, जो कि वर्क का फार्मूला है। वर्क का फार्मूला आपको ये बताता है कि ये देखें ये कार है ना या ये बस है, ये डिस्टेंस को तय कर रही है, तो जब ये डिस्टेंस तय करेगी तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स बेसिकली ये वर्क कर रही है, काम कर रही है। अब आपने सिर्फ इसके अंदर वैल्यूज को जो है वो मूव अप करना है, साइन करना है, और आपके पास ये एक फाइनलाइज आंसर आ जाएगा 1 ओवर 2 एम वी स्क्वायर का। तो बेसिकली आपको यही कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि हमारे पास एनर्जी जो होती है ये कंसर्व होती है, एक जगह से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती है। ये वाली एग्जांपल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। अगर समझ नहीं आई तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं, इंशाल्लाह आपको आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर मज़ीद इंशाल्लाह इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे पेपर में आपका यहाँ से कोई पार्ट भी जो है वो नहीं आता होता है, तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। कुछ ही समझ नहीं आई मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।